अस्सलामुअलैकुम। आज हम जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर बात करेंगे, जो कि एक बहुत सेंसिटिव लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको नेशनल और ग्लोबल फोरम्स पे हाईलाइट होने की अशद ज़रूरत है। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हाजिरुल्ला, जो कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर प्रोफेसर हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मरियम। जीबीवी के किस किस्म के केसेस पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली रिपोर्ट होते हैं? अच्छा, जब हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की डिस्कोर्स में जाते हैं तो ये एक बहुत वाइड एरिया है, और इसमें बहुत सारे ये इमोशनल वायलेंस भी हो सकती है, फिजिकल वायलेंस भी हो सकती है, सेक्सुअल वायलेंस भी हो सकती है, जिसके अंदर हरासमेंट है, रेप है। हरासमेंट के अंदर भी फिर कैटेगरीज है कि मतलब सोशल हरासमेंट क्या है, इमोशनल हरासमेंट क्या है, पब्लिक स्पेस में हरासमेंट क्या है और वायलेंस क्या है, डोमेस्टिक जो प्राइवेट स्पेयर है उसमें वायलेंस क्या है। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो वायलेंस को अगेंस्ट वेमेन या गर्ल्स रिप्रेजेंट किया गया है, वो ज़्यादातर रेप के केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, या एसिड थ्रोइंग जो तेज़ाब वगैरह फेंकते हैं उसी को करते हैं, और या हरासमेंट है जो पब्लिक स्पेस या प्राइवेट स्पेसेस में होते हैं। ये तीन बड़े कैटेगरीज में, और फोर्स मैरिजेस, फोर्स मैरिजेस जो है लड़कियों की, या अर्ली मैरिजेस जो है, चाइल्ड मैरिजेस, गर्ल्स चाइल्ड मैरिजेस, ये वो एरिया ऑफ वायलेंस है जो डोमिनेंटली मीडिया के ऊपर रिफ्लेक्ट होते हैं। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की जब हम बात करते हैं तो एक ह्यूमन राइट वायलेशन है, और तकरीबन स्टैट्स ये कहते हैं कि दुनिया में 3 में से 1 खातून किसी ना किसी किस्म के फिजिकल या इमोशनल या सेक्सुअल अब्यूज से गुजरते हैं। कुछ खास कॉजेज या कंसिक्वेंसेज आप हमें बता सकते हैं जीबीवी के? देखो, सबसे पहली जो बड़ी काज है वो मैं समझता हूँ कि वो तालीम की कमी है। जब तक हम लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे कि ऑल ह्यूमंस आर रिस्पेक्टेबल, सो सबसे इम्पॉर्टेंट काज जो है वो इग्नोरेंस है, लैक ऑफ एजुकेशन है। दूसरी जो है, हमारे अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, तो हर सोसाइटी की अपनी डायनामिक्स होते हैं, लेकिन मुस्लिम सोसाइटी की या इस्लाम जहाँ पे है हम अपने मज़हब को वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इस्लाम के अंदर वायलेंस इन एनी फॉर्म या वायलेंस अगेंस्ट वेमेन तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर हम अहादीस को उठाएं तो क्लियर हमें इंडिकेशंस मिलते हैं, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि आप में से बेहतरीन वो है जो अपनी खवातीन के साथ अच्छे हो। उसके बाद जो है, हमारी जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है उस चेन को हमें ब्रेक करना होगा, क्योंकि जैसे बड़ों को देखते हैं और वो एक जनरेशन टू जनरेशन वायलेंस का कल्चर चल रहा होता है, उसको कहीं ना कहीं पे ब्रेक लगानी पड़ेगी, और वो थ्रू सोशलाइजेशन ही होगा फैमिली के अंदर। फिर उसके बाद गुर्बत आ जाती है, कि गुर्बत जो है जहाँ पे मतलब लाइक अभी ये कोविड के दौरान भी ये केसेस ज़्यादा हुए थे कि डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज़ हो गया। अब घर में जब रिसोर्सेज ना हो, जाहिर है मतलब बच्चे भूखे हैं, बीवी ने कुछ कहना है या माँ ने कुछ कहना है, मर्द के ऊपर भी एक प्रेशर है, तो वो वहाँ पे ना एक हाइप क्रिएट हो जाते हैं। सो गुर्बत बहुत सारे केसेस में वायलेंस के काज बन जाते हैं। उसके बाद फिर हमारे यहाँ जो स्टेरोटाइप्स है कि खवातीन को कमज़ोर समझा जाता है, और मर्द ये अपने एक राइट समझते हैं कि वो पावर को एक्सरसाइज करें, तो इस नॉर्म को, जिसको हम जेंडर नॉर्म कहते हैं, इसको रिवर्स करना होगा कि हर इंसान जो है वो रिस्पेक्टेबल है। SSDO की एक एनुअल ट्रैकिंग रिपोर्ट आई थी 2020 के अंदर, जो ये कहती है कि GBV के केसेस जो हैं वो तकरीबन 9400 के आसपास हैं, जबकि हम मीडिया ट्रैकिंग को अगर हम देखें तो तकरीबन 3000 के आसपास केसेस हमें रिपोर्ट हुए नज़र आते हैं। तो ये हमें इतना जो डिस्क्रिपेंसी नज़र आ रही है एक्चुअल केसेस में और जो रिपोर्टेड केसेज हैं उनके अंदर, ये क्यों इतनी हमें डिस्क्रिपेंसी नज़र आ रही है? देखो, ये भी एक आयोटा जितना वो है, डिमॉन्स्ट्रेशन है जो, या डेटा है हमारे पास आ रहे हैं। एक्चुअल जो है वो तो हज़ारों में है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक आपको, चूँकि हमारे कल्चर में एक चीज़ है कि वो आप जो भी बात हो घर के अंदर तक होता है वो मोहल्ले तक भी आप रिवील नहीं करते, इज्जत जो है वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। सो थाउजेंड ऑफ केसेस जो है वो तो सिर्फ इस ऑनर की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, और फिर अगर उस स्टिग्मा की वजह से हम उसको रिपोर्ट नहीं करते, वो आगे सेटल नहीं हो सकता मसला। सेकंड पर ये है कि लैक ऑफ जस्टिस। अब लैक ऑफ जस्टिस एक ऐसा इशू है कि अगर कोई केस कोई रिपोर्ट करे भी,
उनके फॉलो अप ना हो। और फिर हमारे कल्चर में आपको पता है कि मतलब इंसाफ कितना मिलता है और किन को मिलता है, जब तक बैकअप ना हो, फॉलो अप ना हो, तो वो मज़ीद जितनी हरासमेंट या वायलेंस वो पहले हुआ है उससे शायद डबल सिस्टम के अंदर हो। सर जैसे अनरिपोर्टेड केसेस बहुत हैं, ऑथेंटिक डेटा ही नहीं है, तो फिर इफेक्टिवली डील कैसे किया जाएगा इस इशू को? ये एक सीरियस क्वेश्चन है, क्योंकि हम सोशल साइंसेज में ये समझते हैं कि आपने जो भी पॉलिसी बनानी है या उस पॉलिसी को आपने इम्प्लीमेंट करना है, उस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास डेटा का होना ज़रूरी है, पॉलिसी बनाने के लिए भी और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। अब इसके ऊपर एक तो हमारी जो प्रॉब्लम है ओवरऑल कंट्री का, वो ये है कि बहुत सारे जो हमारे एकेडमिक रिसर्च है यूनिवर्सिटीज़ में, एमएससी की थीसिस, एमफिल की थीसिस, पीएचडी की थीसिस हो रही है उसके ऊपर, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है वो हमारी यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च है उससे तो कभी कोई फ़ायदा लेते नहीं है। वो हम बना के इधर शेल्फ पे लगा देंगे। ऑनलाइन आजकल तो ऑनलाइन में बहुत सारे सर्वे हो सकते हैं, आपके जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसके साथ कोई डेटाबेस बना सकते हैं जहाँ पे रिपोर्टेड हो, वो कैसे सारे इकट्ठे हो, प्रोवेंशियल लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, प्रोवेंशियल पे हो एंड देन फेडरल के ऊपर हो। पॉलिसीज़ और लॉज, जब भी हम बात करते हैं लॉ मेकर्स ये कहते हैं कि बहुत सी पॉलिसीज़ भी मौजूद हैं, लॉज भी मौजूद हैं, लेकिन अगर इतनी पॉलिसीज़ और लॉज मौजूद हैं तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ़ केसेस क्यों है रेप के, सेक्सुअल हरासमेंट के, ऑनर किलिंग्स के? मरियम, उसके सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। अगर कानून अवेलेबल हो लेकिन उस कानून के वायलेशन जो है वो हो रहा हो तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो नहीं है। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि अब जिस तरह अभी रिसेंटली मोटरवे का वाकया हुआ था, तो उसमें वो जो कल्प्रिट था वो पहले भी इन्वॉल्व था और पहले भी उनको रिहाई मिली थी, एग्जामशन मिला हुआ था। सो अगर वो पहले मरतबा उसको एग्जामशन ना मिलती, एग्जामशन तो किसी ने दिलवाई होगी, चाहे वो उसने अपने पैसे यूज़ की होगी या किसी की टेलीफोन यूज़ किया हो, लेकिन उसने एग्जामशन अपनी करवाई। एक फॉर्म ऑफ वायलेंस होती है जिसको स्ट्रक्चरल वायलेंस कहते हैं, जिस तरीके से उसमें यह होता है कि बेसिकली खवातीन को इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या वर्क प्लेस पर, या उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, क्या आपको लगता है इसको किसी तरीके से कॉम्बेट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा, अभी स्ट्रक्चर इनक्वालिटीज़ को कैसे एड्रेस किया जाए? मेरे ख़्याल में अगर हम एजुकेशन के ऊपर बात करें, और सबसे पहले जो अगर आप उनको जेंडर इनक्वालिटीज़ को लिटरेचर को भी आपने पढ़ा होगा, उसमें सबसे पहला जो स्ट्रेस किया हुआ था वो ये था कि वी नीड इक्वल एजुकेशन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड वंस दे गेट इक्वल एजुकेशन दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेंट बाय अ गर्ल एंड व्हाट इज़ मेंट बाय अ बॉय। अब फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जब हम उनको एजुकेशन में वो फील्ड भी ओपन करें जो पहले उनको ओपन नहीं थे, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले वो साइंस में नहीं आते थे, अब स्टेम एजुकेशन एक सीरियस डिबेट है इंटरनेशनली कि अच्छा खवातीन इन साइंस, अच्छा पहले फिर हमने ये कहता था कि उनको डोमिनेंटली सॉफ्ट साइंसेज में, लिटरेचर, साइकोलॉजी, सोशल साइंसेज में डाल के वो, और ये डॉक्टर नज़ीर अहमद की पूरा डिस्कोर्स था कि एजुकेट देम टू बी गुड वाइव्स एंड गुड मदर्स एंड गुड सिस्टर्स, वो एक लॉन्गर टाइम तक एग्जिस्ट कर रहा था। जॉब के लिए तो वो आ ही नहीं रहे थे, एजुकेशन लेके तो देवर सपोज टू बी गुड मदर्स एंड गुड सिस्टर एंड गुड वाइफ्स। अब वो डिस्कोर्स चेंज हो गया है, अब खवातीन आ रहे मुख्तलिफ फील्ड में, लेकिन उनको वो एनवायरमेंट अभी प्रोवाइड करना है कि दे शुड बी इनक्रेज सकते हैं। अब ये स्ट्रक्चर इनक्वालिटी जो है वो एक तो स्टेट के लेवल पर पॉलिसीज होनी चाहिए, अब इनिशियल तो कोटा सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो सोशलाइजेशन फैक्टर है कि जो फैमिली के अंदर सोशलाइजेशन है वो ये इनक्रेज करे कि बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो इक्वली कम्पटिटिव है एंड दे कैन बी इक्वली फंक्शनल इन दी जॉब मार्केट। सो वहाँ से जो ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं वो फिर स्कूल में री इन्फोर्स हो जाए। अब अगर आप स्कूल की किताबों को देख लें तो वहाँ पे ये जो जेंडर इनइक्वालिटी की मैसेजेस है ये बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आई है। सो वो फैमिली के बाद जो स्कूल टेक्स्ट बुक है वो एवेन्यूज़ ओपन करें, तभी जाके ये जो स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज़ है इसको हम किसी तरीके से ब्रेच कर लेंगे। खवातीन के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वर्क प्लेस पे, क्या उसके बावजूद आपको लगता है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट में और गवर्नमेंट में खवातीन को उनके ड्यू राइट्स और सीट्स मिल चुकी हैं? पेट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पे
पावर इज़ डोमिनेंटली इन मैन हैंड्स, मेरा नहीं ख्याल कि पार्लियामेंट में उनको वो रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है जो मिलना चाहिए था। आदो की रिजर्व सीट्स के ऊपर है, लेकिन ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का नहीं है। जो सेकंड वेव फेमिनिस्ट थे, जो जेंडर इक्वलिटी की स्ट्रगल कर रहे थे, उनका एक ये था कि वी जस्ट डोंट वांट द नंबर। हमें नंबर, अगर 50 ख़वातीन है और 50 मर्द हैं, लेकिन वो 50 ख़वातीन उन डिजिग्नेशन में हैं जहाँ पे पावर नहीं है, प्रेजेंस तो है। अब जो रिजर्व सीट्स पे आए हैं तो वो डोमिनेंटली वो पावर पोजीशंस में नहीं है, वो MNA MPA की सीट पे तो आ गए हैं। पावर किसके पास है, कौन एक्सरसाइज करे, कितने मिनिस्टर है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च होती है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और क्योंकि आप यहाँ पे प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो उन रिसर्चेस को सामने रखते हुए आप कुछ रिकमेंडेशन या सजेशंस देना चाहेंगे पॉलिसी मेकर्स के लिए? देखिए, यही जो मैंने पहले जिक्र किया कि एक तो हमारा जो मेन इशू है कि हमारे जो पॉलिसीज़ है वो डोमिनेंटली इन्फॉर्म होते हैं फॉरेन इंटरवेंशन से। हम एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं और उन एक्सपर्ट्स के बेस पे जो पॉलिसी बनते हैं, सबसे पहले बात है कि हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च को वैल्यू देना है। हमारे पास बड़ी डीप इनसाइट ऑफ सोसाइटी एग्जिस्ट करते हैं। अब जिस तरह मेरे साथ दो स्टूडेंट जो है वो नॉर्दर्न एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं, वो उस कम्युनिटी से, उनको उस स्टोरिया पता है, उनको फिर हम एकेडमिक टच देते हैं। वर्क प्लेसेस के ऊपर 3-4 थीसिस तो अभी मेरे सामने से गुजरे हैं वर्क प्लेस हरासमेंट के ऊपर। अब वो थीसिस, स्टूडेंट डिग्री लिया, थीसिस को हमने लाइब्रेरी में रख दिया। अब ये तो मेरे ख्याल में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो गवर्नमेंट को एकेडमिक रिसर्च को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, जितनी भी पॉलिसीज़ बना रही है उनको इन्फॉर्म करने के लिए एकेडमिक रिसर्च को कंसिडर करें। सेकेंड जो पॉलिसी रिकमेंडेशन है वो ये है कि रेलिवेंट एकेडमिशियंस को लोकल, उनको इंगेज करें पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि डेफिनेटली जब आप किसी कंसल्टेंट को अमेरिका से या यूके से या ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से हायर करते हैं, उसकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती जो आपकी मेरी यहाँ के लोकल कम्युनिटी की है।